हेलो गाइस, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं रेस्टोरेंट, खाना चाहते हैं नंदलाल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तो ये ऊंचा हार में पड़ता है। यहाँ का खाना एंड नाश्ता या चाय बहुत ही फेमस है। और साथ में ये मैडम हमारी देवरानी जी भी हैं और ननदिया भी है एंड सासू माम भी। सासू माँ घूम जाइए। ये देसी तड़का पूरी पे डालेंगे। लग रही गाढ़ा लागी रखा और क्या ओड़े हैं। ये तो नुकसान करिए। तो आज तड़के ने बहुत तड़का लगाया। तड़के वाली भाभी, अरे इधर भी देख लीजिए। और नंदोई जी ने ये रेस्टोरेंट ढूंढ के हमारे लिए भैया कि यहाँ स्पेशल क्या है वो खिलाना चाहते हैं हम लोगों को। नंदलाल रेस्टोरेंट तो काफी देर से ढूंढ रहे थे तो वो हमको मिल गया है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। ये काफी स्टॉल्स भी हैं एंड स्वीट्स भी है। काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। काफी अच्छी यहाँ व्यवस्था है। बस आज हम सुहासिनी को बहुत ही मिस कर रहे हैं यहाँ। चलिए देखते हैं कुछ और खाते पीते हैं हम यहाँ। तो दोस्तों आज गए थे इलाहाबाद संगम नहाने और वहाँ से लौटते समय हम लोगों को चाय पीने का मन किया और खाना खाने का मन किया। तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है तो इस वजह से यहीं आए हुए हैं नंदलाल रेस्टोरेंट। अब हम खाते हैं। तो हमारी थाल आ चुकी है, ये देखिए। हाँ, ये नंदलाल स्पेशल था। तो अब हम लोग डिनर कर लेते हैं। कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी आप रायबरेली या इलाहाबाद जाइएगा तो रायबरेली में ही नंदलाल रेस्टोरेंट पड़ता है, वहीं आप लोग डिनर करिएगा क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत ही स्वादिष्ट रायता है, दाल है, दाल मखनी है एंड मिक्स वेज सब्जी है, पनीर की सब्जी है और चपातीज, पुलाव, मीठे में रसगुल्ला। तो अब हम डिनर कर लेते हैं। तो भैया अब हम लोग यहाँ खाना पीना खा चुके हैं और मीठा भी खा चुके हैं। पानी नहीं पीना? पीना नहीं किया। अच्छा, पीना नहीं किया है मतलब खाना खाया है। पिया नहीं है? पानी नहीं पिया? पानी खाना खाने के आधा घंटे बाद पीना। अच्छा अच्छा, इसलिए पानी अवॉइड करना चाहिए। और ननद जी कैसा लगा यहाँ का खाना? अच्छा, अच्छा लगा ना। तो सबको क्या बताना चाहती हैं यहाँ रेस्टोरेंट के बारे में, आप बताइए। जब भी आप लोग जब आए रायबरेली तो आप लोग यहाँ नंदलाल जो है होटल एक बार जरूर ट्राई करें और बहुत ही अच्छा है। और अगर जो स्पेशल थाली है ट्राई करें तो यानी आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। इतना तो संतुष्ट हैं इस रेस्टोरेंट से? कंफर्टेबल भी है, बैठने की भी अच्छी सी जगह है। फैमिली एसी रूम भी है, फैमिली एसी हॉल भी हुई है। क्या बन जाए हम? तभी तो हम मतलब अपने सब्सक्राइबर को बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अच्छा एक मिनट और। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, क्या बता रहे? घंटी बजाना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें। जो भी मैं रेसिपी या कोई भी वीडियोस आप तक लेके आऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। और भैया ने सर्विस भी बहुत अच्छी दी है। तो गाइस चलिए अब चलते हैं हम अपने घर।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं बोलो बोलो, इलाहाबाद से पहुँचते देखिए रात हो गई है, 10:30-11 बज रहा है काफी, और मुझे किसी ने सोने नहीं दिया गाड़ी में, सब लुकड़ी लगाते रहे, जगो जगो। और भी कुछ हमारे साथ में महिलाएं बोलना चाहती हैं? नहीं अब नहीं बोलेंगी, बस अब नहीं बोलेंगी। तो अब हम लोग लखनऊ के लिए पहुंच गए, लखनऊ सुबह 7 बजे निकले हैं, रात को 10:30-11 हो गया है। तेलीबाग पहुंच गए, हाँ तेलीबाग पहुंच गए हैं, पीजीआई, हाँ वही उधर ही है। तो साथियों आज हमने उन लोगों ने खूब मस्ती की, अंताक्षरी खेली है, पूरी जर्नी का खूब मजा लिया, अंताक्षरी खेली, आपस में खूब बातें की, और नेक्स्ट जर्नी के लिए प्लान बनाया, तेरा वो आगे वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम लोग कौन सी जर्नी करेंगे।